अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तरह की मुसीबत और परेशानी से दूर रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल फ्राई, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, ये मैंने मसूर की दाल ली है हाफ कप, मूँग की दाल हाफ कप, चने की दाल हाफ कप, टमाटर दो मीडियम साइज़ के लिए हैं, प्याज एक लिए मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया, तीन हरी मिर्ची, 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 2 टेस्ट। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इन दालों को हम साइड में कर देंगे। मैंने ये दाल 15 मिनट के लिए भिगो दी थी और इसका पानी निकाल दिया। अब एक पैन में मैंने 2 कप पानी डाला है। अब हम इसके अंदर जो दाल है इसको शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। मिक्स करेंगे, इसको बॉईल आने तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। हमारी दाल में बॉईल आ गया है, इसकी आंच हल्की करेंगे, ऊपर से ये झाग हटा देंगे। और इसको 15 मिनट्स के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए, जब तक हमारी दाल गल जाए। 15 मिनट्स हो गए, अब हम ढक्कन हटा के चेक करते हैं। ये देखें, हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। मैंने दूसरा पैन ले लिया है, इसमें मैं 1/2 कप ऑयल डालूंगी। और इसके अंदर हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें हम ज़ीरा डालेंगे। प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। और लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे। लहसुन अदरक को फ्लेम हम लो रखेंगे। लहसुन अदरक हमारा भुन गया है, अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, अब हम बाकी इसमें सारे ड्राई मसाले शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना देंगे इसका। ये देखें कितना अच्छा सा पेस्ट रेडी हुआ है। इसमें हम 2 स्पून पानी शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे। 5 मिनट हमने इस मसाले को और भुना है। ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर दाल को शामिल करेंगे। मैंने इसके अंदर दाल शामिल कर दी है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, जितना आपको दाल को पतला रखना उतना पानी शामिल करें। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची शामिल करूंगी। गरम मसाला पाउडर मिक्स करेंगे। और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसको लो फ्लेम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए।
5 मिनट हो गए, हम चेक करते हैं। देखिए हमारी मज़ेदार सी दाल रेडी है। अब हम इसको देखें, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारी मज़ेदार सी दाल फ्राई रेडी है। ये इसकी फाइनल लुक। इसको मैंने चावलों के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।